हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10 फॉर एक्सरसाइज 5.2। नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन टू अस दैट 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 10th टर्म सॉरी 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 एंड वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सो दिस इज क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन, लेकिन इसको आपको अच्छे से समझना होगा। नाउ इट सेज 17th टर्म, इट मीन्स जो हमारी 17th टर्म होगी, 17th टर्म है जो एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। अगर 17th टर्म में से अगर मैं 10th टर्म को माइनस कर दूं तो आंसर क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। सो दिस इज द बेसिक पार्ट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन काफी इजी होगा आप सभी के लिए। इसको दोबारा समझते हैं। इट से 17th टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की 17th टर्म 10th टर्म से कितनी ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। इट मीन 17th टर्म में से अगर मैं 10th टर्म माइनस कर दूँ तो आंसर मेरा कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। और अब हमें पता है कि 17th टर्म ऑफ एन एपी क्या होती है? ए प्लस 16d। और 10th टर्म क्या होती है? That is a plus 9d, it should be equal to 7। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये a plus 16d माइनस a माइनस 9d is equal to 7। a और माइनस a कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड जो भी हमारा आंसर है वो आ जाएगा। सो d की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। So this is the way we are going to solve this question. So let us discuss the answer. Now we know that ki for an AP, nth term kya hogi? A plus n minus 1 into d. So 17th term hamari ho jayegi A plus 16d aur 10th term hamari hogi A plus 9d. Now ab hame question mein given kya hai? A 17th term minus 10th term should be equal to 7 और इसको अगर हम सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा d इज इक्वल टू 1।